तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनंत ठाकुर। तो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि काइनमास्टर में वीडियो कैसे बनाते हैं। काइनमास्टर ऐप आपको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे अपन काइनमास्टर ओपन करते हैं, आपके सामने तीन पेज आ जाती है। उस तीन पेज में से आपको बड़े इस पर क्लिक करना है, फिर आपको वन पॉइंट का G2C सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आप जो यूट्यूब पे से प्ले स्क्रीन में की जो लिंक डाउनलोड की है उसे हमें मीडिया में जाना है। मीडिया में जाके मैंने जो लिंक डाउनलोड की है मैं डाउनलोड करूँगा। उसके बाद आपको वो लिंक आगे लानी है, फिर उस लिंक पे क्लिक करके आपको बाहर निकलना है। उसके बाद आपको जो फ़ोटो डाउनलोड किया है वो फ़ोटो पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो फ़ोटो मैंने आगे ला लिया है, तो फिर वो उसको स्पूल क्लीन कर देना है। स्पूल क्लीन करने के बाद आपको उसको बड़ा करना है, बड़ा करना है। फिर उसके बाद आपको उसे फ़ोटो पे क्लिक करके उसको बराबर साइज में लाना है। साइज में ला के आपको वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करके आपको ये रहते इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक करके प्रीमियम में जाके ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन में जाना है। स्क्रीन में जाके आपको क्लिक करके बाहर निकलना है। जैसे बाहर निकलते हो फिर उसके बाद आपको ओवरली में जाना है। ओवरली में जाके आपको ओवरली में से आप इसमें से कौन सी भी ये स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये लाइट स्टिकर डाउनलोड किया, उस आउटलाइट स्टिकर में क्लिक करके आप कौन सा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पीली वाला लिया है, वो पीली वाला जो वीडियो को शूट करता है। तो मैं इसे स्पूल क्लीन कर देता हूँ। स्पूल क्लीन करके बाद आपको उस फ्लैश लाइट को थोड़ा सा कम करना है, ब्राइटनेस कम करना है उसका। और वीडियो पे क्लिक करके आपको जैसा पास में जो स्क्रीन लाना है तो थोड़ा सा पास में कर सकते हैं। फिर उसको क्रॉपिंग करके बराबर स्कूल स्क्रीन में लाके कर सकते हैं। फिर आपको बाहर निकलना है। जैसे बाहर निकलते हैं आपका वीडियो तैयार हो जाता है। की हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे साईना तेरी सूरत दिखाई। तो हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। जैसे ही आपको नाम डालना है तो आपको लेयर में जाइए, टेक्स्ट में जाइए। टेक्स्ट में जाके मैं आप वीडियो के हिसाब से नाम डालूंगा, ओम साई राम। फिर उसको ओके कर देना है। ओके करके आपको ऊपर की लिस्ट में शो डाल करना है वो नाम को। उसके बाद आपको इसे भी स्क्रॉल क्लीन कर देना है। फिर साइड में लाके इसको कलर कौन सा भी दे सकते हैं। कलर का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जाके सभी कलर ऑरेंज ऑरेंज में जाके उसको क्लिक किए, बाहर निकले, पूरा बाहर निकले। जैसे जा आपका वीडियो तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए।